नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज जो हम वीडियो लेकर के आए हैं 11 जनवरी का RRB NTPC का जो भी एग्ज़ाम चल रहा है दोस्तों, उसका एनालिसिस लेकर के आए हैं। और ये दोनों शिफ्ट का है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, 60+ क्वेश्चन का चर्चा करेंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहें आप लोग और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई? तो 1957 इसका आंसर होगा, ठीक है। भारतीय सिनेमा का पिता किसे कहा जाता है? तो दादा साहेब फाल्के को, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, सांची स्तूप निम्न में से किस स्थान के नज़दीक स्थित है? तो भोपाल के नज़दीक है। मोटेरा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, गुजरात। SLR का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिचुएरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। हिंदी में इसको बोलेंगे हम लोग वैधानिक तरलता अनुपात। अगला देखते हैं, रण कपूर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान पाली जिले में, ठीक है। अगला देखते हैं, इम्पीरियल बैंक को SBI बैंक में कब बदला गया? तो 1955 इसका आंसर होगा। पहले SBI बैंक को इम्पीरियल बैंक नाम था, ठीक है, 1955 में चेंज करके भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। जिस प्रकार बाघ भारत से संबंधित है, उसी प्रकार नेपाल से संबंधित इसका आंसर हो जाएगा गाय। हम लोग के भारत में राष्ट्रीय पशु बाघ के रूप में जाना जाता है, उसी तरह जो है नेपाल में गाय के रूप में जाना जाता है, ठीक है। किसने कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया? तो ये आंसर मेरे पास नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 2000। 9 नवंबर को, सॉरी, हाँ 9 नवंबर को उत्तराखंड का गठन हुआ था और 15 नवंबर को झारखंड का, ठीक है। या 9 नवंबर या 1 नवंबर, याद रखिएगा दोस्तों आप लोग, हम कन्फ्यूजन थोड़ा आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, समिष्ट अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, का पिता किसे कहा जाता है? तो अल्फ्रेड मार्शल को। खून किस प्रकार का ऊतक है? तो संयोजी ऊतक। नीला पर्वत किसको कहा जाता है? तो नीलगिरी पर्वत को नीला पर्वत कहा जाता है। वुमेन्स ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का खिताब किसने जीता? तो सोफिया केनिन इसका आंसर होगा, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो 1930 में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में आयोजित किया गया था। सहायक संधि प्रथा किस ब्रिटिश गवर्नर ने प्रारंभ की? तो लॉर्ड वेलेजली ने। जॉर्ज पंचम ब्रिटेन के राजा 1911 में भारत आए तो उनका किस शैली से स्वागत किया गया? तो पश्चिमी शैली, यूरोपियन शैली और फ्रांसीसी शैली, ये तीन शैली से जो है उसका स्वागत किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का कौन सा भाग अर्थमेटिक लॉजिकल गणना करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। निम्नलिखित में कौन सी एक शॉपिंग वेबसाइट नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्विटर, ठीक है। 1957 में स्वतंत्रता पार्टी का गठन किसने किया? तो सी राजगोपालचारी ने। केंद्र व राज्य संबंध किस अनुच्छेद में शामिल है? तो अनुच्छेद 263 में केंद्र व राज्य का संबंध है। ऑयल लैंप जिसको बोलेंगे हम लोग, ऑयल लैंप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कौशिकित्व। कौशिकित्व आप लोग जानते हैं दोस्तों, लालटेन में जो है जो तेल है उसका नीचे से ऊपर पहुंचाता है, ठीक है। इसको दारू भी, दारू जाइलम हम लोग इसको भी कहते हैं, इसका नाम दूसरा है। गन्ने का पौधा निम्नलिखित में से किसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो पानी, हवा, सूर्य, प्रकाश, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध कविता माई ब्रदर एट 66 की रचना किसने की? तो कमला दास ने। अगला देखते हैं, एक प्रश्न मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से पूछा गया था, ठीक है। तो मेरे पास ये जो है किसका नहीं है ये प्रश्न। अगला देखते हैं,
लखनऊ समझौता कब किया गया? तो 1916 में। नेत्र समायोजन नियंत्रण किसे कहते हैं? तो अनुकूल समायोजन अपवर्तन को, ठीक है, अनुकूल समायोजन अपवर्तन को नेत्र समायोजन नियंत्रण कहते हैं। आधुनिक जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। अगला देखते हैं, नेफ्ट का पूरा नाम, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, ठीक है। अगला देखते हैं, प्लासी युद्ध कब लड़ा गया? तो 1757 में। ये था दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है। अब सेकंड शिफ्ट हम लोग देखेंगे। इंदिरा गांधी मेमोरियल, देखिए यहाँ से देख, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर, यानी जम्मू कश्मीर में, ठीक है। पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक साल कब मनाया गया? 5 जून को। PSLV का पूरा नाम क्या है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। विश्व का सबसे लंबा वृक्ष? तो रेडवुड, ठीक है। किस फिल्म को बेस्ट फिल्म में ऑस्कर अवार्ड मिला है? पैरासाइट को। प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल क्या था दोस्तों? 1951 से 1956। भारत में विमुद्रीकरण कब हुआ? 2016 में। रक्त का थक्का जमाने में कौन सी विटामिन मदद करता है? तो विटामिन के। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में क्या हुआ था? तो पूर्ण साम्राज्य की मांग की गई। द वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक अरविंद अडिगा, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ पर स्थित है? तो जेनेवा में। बार्क का पूरा नाम, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है। किस आईटी कंपनी ने कंप्यूटर का उत्पादन करना बंद कर दिया? तो IBM ने। अगला देखते हैं, किस घटना के कारण रेगिस्तान में बालू पानी की तरह चमकता है? बालू जो है पानी की तरह चमकता है, तो मृग मरीचिका के कारण, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? तो ये था दोस्तों कोणार्क मंदिर, आगरा फोर्ट, हवा महल, एलिफेंट की गुफाएं, ठीक है, ये सब विकल्प में था। किस उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा जो है अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसका सारा आंसर हो जाएगा, आप लोग एक बार नेट में सर्च कर लीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। 17 दिसंबर 2020 तक T20 क्रिकेट में प्रथम स्थान पर कौन सा देश था? तो इंग्लैंड। फोरट्रेन का पूरा नाम क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहली बार राष्ट्रगान गाया गया? तो कोलकाता अधिवेशन, ठीक है। MS वर्ड में F7 की प्रयोग की जाती है वर्तनी और व्याकरण अशुद्धियों को चेक करने के लिए, ठीक है। एक प्रश्न शाहजहां की पुत्री से द्वारा बनवाए के मकबरे से पूछा गया था, ठीक है, मेरे पास ये प्रश्न नहीं है। कॉफ़ी और चाय किस प्रकार की खेती है? तो नकदी फसल। एडीज मच्छर को काटने से कौन सा रोग होता है? तो डेंगू। भारत में कौन सी संस्था बीमा को नियमित करती है? तो इराड, ठीक है, इरडा। बीमा को नियमित करती है तो इरडा। भटियाली लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल से। मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? Mg। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर 1961 को। हैदराबाद शहर को किसने बसाया? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह। निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान भारत में स्थित नहीं है? तो सिंधु रेगिस्तान। तो ठीक है दोस्तों, आज का जो GK सेशन मेरा समाप्त होता है। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।